अब तुम बताओ अच्छा तुमने मेकअप में क्या चेंजेस की? भाई हम तो पीटीवी में के जब ड्रामे देखो ये है, ये हम पीटीवी से ये यूज करते आ रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी पता है क्या करती हूँ, जब मेरा आउटडोर सीन्स होते हैं, सारा दिन आउटडोर शूट होती है, तब मैं यही लगाती हूँ। ओके, उसमें ये होता है कि आप ये पसीने वसीने जो आपको आते हैं, फेस खराब हो जाता है मेकअप, वो इससे नहीं होता। अब जैसे जैसे आउटडोर शादियां भी हो रही हैं, हाँ, और आउटडोर ये लगाते हैं, मतलब लाइक जाहिर है आउटडोर शादियां तो हो ही रही हैं, और लंबे टाइम के लिए तो मुझे लगता है स्टिक अच्छी है, स्टिक अच्छी है आउटडोर के लिए, कंसील भी इसी की अच्छी है। अच्छा, दूसरा ये मैंने अब जो घर के लिए मैं यूज करती हूँ, शनैल की ये मैं वैसे कहीं नॉर्मल जाती हूँ तो, और ये मेरे क्रिश्चियन डियोर है, थोड़ा डार्क है ये, मैं अब जब टीवी पर आती हूँ तो मैं ये यूज करती हूँ, लेकिन इस वक्त मैंने लगाई भी तो ये है, लेकिन जो मेरा कॉम्पैक्ट था वो मैं भूल गई थी लाना, लेकिन इसका वो लुक नहीं आ रहा लग रही है। ये भी बहुत अच्छी है यार, क्रिश्चियन डियोर बहुत अच्छा है, ये लगता है जैसे पानी लगाया आपने, अच्छा। दूसरा मैंने एक और चीज चेंज की अपनी, मैं पहले कॉन्टोरिंग करती थी उससे, ये जो है ना हमारा ये वाला पाउडर, अच्छा खोलो ना जरा, दिखाओ लोगों को, सारे मेकअप आर्टिस्ट आते हैं वो यही दिखा, ये है ये, इससे कॉन्टोरिंग पहले मैं करती थी, ठीक है, लेकिन अब मैंने ये आती है बेस है, ये क्या है, ये एक्चुअली जो नीग्रो बेस है, लिक्विड है, लिक्विड है ये, क्योंकि लिक्विड के साथ फिर वो लिक्विड ही अच्छा लगता है, वरना पाउडर ना अजीब सा, अच्छा बिल्कुल यही चीज मैंने अपने कॉन्टोर के साथ की, जैसे तुमने लिक्विड जो है ये अब इस्तेमाल करना शुरू की, मैं तो स्टिक इस्तेमाल करती हूँ नीग्रो, मगर मैंने जो कॉन्टोर पाउडर है ना ये शुरू, वो मैंने मैक का नीग्रो कॉम्पैक्ट है, बहुत अच्छा वो मैंने, क्योंकि उससे ब्लेंडिंग बड़ी अच्छी हुई, मैंने ये उसके साथ ना मिक्स हो जाती है सही से, और ये वाला आपका जो है ब्राउंजर वाला काम भी करता, अच्छा नहीं मेरे ऊपर ब्राउंजर सूट नहीं करता, दिखाइएगा मुझे, ये मैट है, ये अच्छा है, इसका क्या नंबर है, इसका है NW50। अच्छा, दूसरी चीज पहले हम लोग जो क्रीम लगाते थे, सबको पता है कौन कौन सी आती थी पुरानी, अब मैं नाम नहीं ले सकती, चार 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 जो चार क्रीम नहीं होती, एक गोल्ड क्रीम होती थी और एक होता था जिप्सी अमेजिंग क्रीम, और वो भी होती थी आर्ची मैंने कुछ अच्छे बाद लगाने के बाद मुंह पे हो जाती, एक हनी लोशन आता था चार क्रीम मिला के, नहीं वो लगाते थे सारे डॉक्टर्स यही कहते चार क्रीम में मिला के, और एक हनी लोशन मैं लगाती थी पहले, उसके बाद अब मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, ये मेरे पास शेडो का ये है, ये क्या है, ये लोशन है बहुत अच्छा, ये किसका है दिखाओ, शेडो का, ये आप जो है, हाँ ठीक है, अच्छा इसमें जो है आप ये गर्मियों में बहुत आराम से मजे से लगा सकते हैं, लेकिन सर्दियों में मैं ये वाला नहीं लगाती सर्दियों, अच्छा ये नाइट का है, ये एस्टी लॉडर का, ये एस्टी लॉडर के जो इनका बहुत अच्छा है, सर्दियों में एस्टी लॉडर लगाती हूँ, नहीं ये नाइट का है, ये गर्मियों का, इसका नाइट रिपेयर भी, गर्मियों में मैं लोशन लगाती हूँ और सर्दियों में मैं क्रीम लगाती हूँ, हैव यू ट्राइड वो एस्टी लॉडर का नाइट रिपेयर, जो गोल्डन शीशी है, डार्क छोटी वाली छोटी है, इसी तरह की है वो, बहुत अच्छी अच्छी, अच्छा ये आपने भी कहा लोशन गर्मियों में, और गर्मियों में मैं लोशन लगाती हूँ, क्योंकि वो लाइट होता है, लाइट पतला होता है ना, और सर्दियों में मैं क्रीम लगाती हूँ, ये मेरे पास शेडो की, ये डिफरेंस मुझे आज पता लगा, ये मैं सर्दियों में लगाती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा मोटी होती है क्रीम, और देर तक ये आपके फेस को रखती है। अच्छा ये क्रिश्चियन डियोर का, ये इसका नाम तो वैसे व्हाइटनिंग और ग्लो के लिए होता है ये लाइट, लेकिन ये जो मेरे यहाँ पे स्किन जो तुम ब्लू कह रही हो ना, ये यहाँ पे ना डार्क होती है, ये उसके लिए है, ये क्या है, ये एक सिरम है, ये शिशिरो का ही, हाँ ये सिरम शिशिरो की स्किन, नहीं ये क्रिश्चियन डियोर का है, ये क्रिश्चियन डियोर का है, ये इससे ना मेरी वो चीज ब्लू वाली खत्म हो गई है, अच्छा क्योंकि मैं स्पेशल यही लगाती हूँ खाली, या पूरे मुंह पे लगा, नहीं पूरे फेस पे लगाती हूँ, अच्छा ये बहुत अच्छा है, ये क्रीम है एक्चुअली, क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये व्हाइट स्किन लाइटनिंग के लिए होता है, ओके, लेकिन ये होता ये है कि ये जो चीजें है ना, ये आपके कॉम्बिनेशन स्किन में जो आपका ये आ जाते हैं ना, जहाँ पे आपका ऑयली होता है वहाँ पे आपका कुछ और कलर होता है, जहाँ पे ड्राइनेस होती है वहाँ कुछ और कलर होता है, ये उसको बैलेंस करता है, ठीक है। अच्छा दूसरा, पहले हम सर में तेल लगाया करते थे, अच्छा ये आर्गन ऑयल का है, अच्छा, ये आप लगाते हैं, ये मैं भी क्या चीज़ इसका नाम बताओ, ये आर्गन ऑयल का ही ये वो है, नहीं कोई ब्रांड होगी ना, आर्गन ऑयल, अच्छा आर्गन ऑयल, हाँ। तो ऑयल का नाम है, आर्गन नाम है इसका, ये बहुत अच्छा है, मैं भी यूज करती हूं, आर्गन ऑयल थेरेपी लिखा हुआ है, हाँ मोरक्को, इसके शैम्पू भी मैं यूज करती हूँ, कंडीशनर भी इसके यूज करती हूँ मैं, और ये आप लगाएंगे ना आपको लगेगा नहीं कि आपने तेल लगाया, और ये ऑयली भी नहीं करता, और ये इतना सिल्की, ये मैंने मोना जे से लिया था, मैंने भी मोना, अच्छा मोना है, बाल बहुत अच्छे करता है, नहीं नहीं सीरम देखो ना लगा के, हाँ आप लगा के ना, ये लेकिन ये इधर बनाओ ना क्लोज, और ये आप अपने जो है ना, ये आप ये रूट्स पे लगाएं, मुझे मोना ने कहा था
कि ये रूट्स में लगाएं ओवरनाइट। मेरे बाल नहीं आने शुरू हो गए हैं इसके लगाने से। हाँ। मेरे छोटे छोटे बाल आने शुरू हो गए, देख रहे हैं तुम्हारे इधर। हाँ, ये छोटे छोटे बाल इससे आने शुरू हो गए हैं। ये ऑयल के बजाय सीरम सॉर्ट ऑफ लगा के बहुत अच्छा है। हाँ, ये पता भी नहीं लगता आपने ऑयल लगाया है। और इतनी अच्छी स्मेल है, इसकी खुशबू इतनी अच्छी है। अच्छा, दूसरा मैं पहले यूज करती थी वो फेस मास्क, मड वाला नहीं आता था, कभी कभी मुल्तानी मिट्टी भी लगा लेते थे जब दाने होते, लेकिन फर्क पड़ता था। अब मैंने यूज किया ग्लैम ग्लो का है, ये बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा मास्क है। अमेरिका से मिलेगा, यहाँ से? अमेरिका से लिया मैंने। अच्छा, ग्लैम ग्लो ऑनलाइन तो अब सब कुछ मिलता है। ये मास्क कब लगाती हो, हफ्ते में कितनी दफा? ये एक दफा, एक दफा जब मैं बिल्कुल छुट्टी पा जाती हूँ ना। हाँ। लेकिन इससे बहुत अच्छी स्किन हो जाती है। जो रिंकल्स पड़ते हैं ना, ये मेरे मुझे लगता है कि अब कम हो रहे हैं। हाँ। क्योंकि पहले मैं मेकअप करती थी बहुत ज्यादा। ग्लैम ग्लो, ग्लैम ग्लो, ये बहुत अच्छा है, ये जरूर यूज करना। अच्छा, इसके बाद पहले हम इंतजार करते थे कि सलोन जाएंगे और थ्रेडिंग कराएंगे आईब्रोज की। हाँ। ये मेरे पास अब ये आया है, ये इसको इस वो नहीं है अपना बैटरी नहीं, क्योंकि जब आप बाहर से आते हैं तो आप बैटरी निकाल देते हैं। ये ये थ्रेडिंग की तरह करता है, काटता नहीं है बालों को, अंदर से खींचता है बालों को। प्लकर, हाँ, तुम पहले कह रही हो मैं प्लकर इस्तेमाल करती नहीं, मैं पहले थ्रेड कर मतलब करती तो अभी भी हूँ, मैं थ्रेडिंग करवाती हूँ, लेकिन कभी आपको ऐसा होता है, तभी मैं अमेरिका गई हुई थी। हाँ। अब मुझे नहीं पता, मैं किसी पे वहाँ पर ट्रस्ट नहीं कर सकती ना कि मैं कहीं पे भी जाकर मेरी आईब्रोज बना दो, इसमें बैटरी आप खुद कर लेते हैं। नहीं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब इसमें बैटरी डलती है, इसको आप ऑन करते हैं और ये जहाँ जहाँ आप मारते रहते हैं आपके पूरे फेस पे आप कर सकते हैं, और इसको खोल के इसको साफ भी कर सकते हैं आप। और ये ऑनलाइन बहुत मिल रहा है, दराज पे भी मिल रहा है आजकल ये। इसका क्या नाम है? इसका नाम क्या है? इसको प्लकर ही कहते हैं आई थिंक, गोल्ड। अच्छा, नहीं प्लकर। हाँ, अपर लिप्स भी हो जाते हैं। हाँ, सब कुछ पूरा फेस कवर है, कोई ऑर्डर करने सैलून नहीं जा रहे, खुदा ना खासा लॉकडाउन हो गया, सैलून के बगैर वो दर्द बहुत होती है मुझे। अच्छा, दर्द नहीं होता आपको? पता भी नहीं लगता। अच्छा, मगर मैंने जब ये लिया था ना, तो मेरे इस जगह पे ना दाने इतने भर गए थे, 6 महीने तक नहीं गए थे। ये फ्लॉलेस का है, मुझे बहुत प्रॉब्लम किया था। फ्लॉलेस का है। हाँ, तो ये बहुत अच्छा है, जैसे जिन लोगों को थ्रेडिंग सूट करती है ये जरूर करें फिर। ये बहुत अच्छा है, जैसे मैं तो ना थ्रेडिंग कराती हूँ ना वैक्स, मैं लेजर कर। मैं, हाँ, ये सही है, ताकि क्योंकि आपकी एक सर्टन एज में वैक्स कराने से स्किन लटकने का खतरा होता है, पिघल जाती है। लेजर करा के मैं 2 महीने तक सुकून में रहती हूँ, मेरे मुंह पे बाल नहीं। वो बहुत अच्छी चीज़, ब्लीच आपका चेहरा खराब करता है, स्किन खराब, बिल्कुल ऐसी है। सो आप वही इन्वेस्टमेंट जो है वो आप 2 महीने के लिए, ब्लीच से बाल भी ज्यादा होने लग जाते हैं। मैं सुना स्किन कैंसर भी होता है लोगों का। नहीं, बाल गया। अब ये स्क्रब मैं यूज करती हूँ, ये माचा ग्रीन टी का स्क्रब है, बहुत अच्छा है। पहले मैं एप्रिकॉट स्क्रब यूज करती थी, स्क्रब। अच्छा। हाँ, ये माचा ग्रीन टी का। अब ये भी हफ्ते में आने वाले होते थे एप्रिकॉट स्क्रब ट्यूब में, अब ये माचा, माचा ब्रांड कौन सा? हाँ, माचा ग्रीन टी। हाँ, ब्रांड कौन सा? इसका ब्रांड माचा ही है, ग्रीन टी तो माचा की सारी चीजें इसमें। अच्छा, फेस वॉश भी आता है इसका, सब कुछ आता है। अच्छा, दूसरा ये पहले हम ये वैसलीन, मैं पहले अब तो मैं प्लग करती हूँ, लेकिन पैरों पे करने के लिए ये मैं करती हूँ बॉडी शॉप की। अब बॉडी शॉप का इसमें इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी। और बेटी, हाँ, बेटी को मैं देती हूँ, बेटी बहुत शौक से लगाती है। दूसरा मैं जल्दी बता रही हूँ, ये फेस वॉश अब मैंने पहले मैं यूज करती थी न्यूट्रोजेना का, मैंने क्लिनिक का यूज किया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा देर तक अपने फेस पे एक ही चीज यूज नहीं कर सकती, चेंज आता है। अच्छा, मेरे बाल जो है वो कर्ली वेवी है, तो पहले हम मूस लगाते थे या जेल लगाते थे ना, तो मूस से होता था कि वो बाल पर फ्लफी हो जाते थे, जेल से चिपक जाते थे, तो मैंने अब ये क्रीम यूज की। ये क्या मूस की जगह? ये क्रीम है, क्या नाम है? गीले बालों में यार, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड है इसका नाम, ट्विस्टेड सिस्टा। ये है वैसे तो वहाँ पे अमेरिका में मिलती है जो, लेकिन यहाँ पे भी बहुत अच्छी क्रीम्स यही वाली मिलती हैं, मतलब इसी तरह की, उसके ब्रांड चेंज होते हैं। Okay. लेकिन क्रीम से ये होता है कि आप जब आपके बाल, तुम देखोगे कभी कर्ली पिक्चर्स आती हैं मेरी, तो आपके बालों में ना तो वो चिपकते हैं इससे और ना वो फ्लफी हो जाते हैं, बहुत अच्छे सिमटे हैं। जिस हालत में आप लगाती है ना, देखें आपके जिस हालत में बाल, अगर आपके गीले बाल हैं, आपने थोड़ा सा ड्राई किया उनको, उस हालत में ही रहेंगे आपके बाल। Okay. अगर बिल्कुल गीले बालों में लगाएंगे बिल्कुल, तो फिर वैसे ही रहेंगे। Okay. जिस हालत में बाल होंगे ना, उसी हालत में आपके वो कर्ज रह जाएंगे।